मैं कीर्ति परोहा, कक्षा 10वीं जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके पहले हमने टेक्स्टुअल पार्ट को कवर किया है और आपके 1 to 5 लेसन तक आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं और उनके क्वेश्चन आंसर भी आपको समझाए हैं। आज हम आपके सिलेबस के अंतर्गत आने वाले सेक्शन ए अर्थात रीडिंग स्किल के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। आपके कोर्स सिलेबस में जो पार्ट ए है वो है रीडिंग स्किल अर्थात अनसीन पैसेज के बारे में अध्ययन करेंगे कि सेक्शन ए जो है अर्थात जो अनसीन पैसेज वाला पार्ट है वो क्या है और उसको कैसे हमें हल करना है। तो देखते हैं, ए पार्ट जो है आपका वो उसमें अनसीन पैसेज रहना है। अर्थात अनसीन पैसेज से आप क्या समझते हैं? ऐसे पैसेजेस के बारे में आपको बताना है जो कि आप पहले नहीं पढ़े हों, दैट इज नोन एज अनसीन पैसेजेस। ये जो अनसीन पैसेजेस रहते हैं चूंकि पार्ट ए के अंतर्गत आते हैं और पार्ट ए जो है उसमें 3 पैसेजेस आएंगे। कितने पैसेजेस आएंगे बेटा? 3, ए, बी और सी, जो बहुत ही अच्छा आपका कहना चाहिए मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक है ये। और आपको 3 अनसीन पैसेजेस आएंगे और जो रहेंगे आपके फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और इंस्ट्रक्टिव पैसेज रहेंगे। तो इसमें से एक पैसेज, प्रत्येक पैसेज रहेगा 5-5 मार्क्स का, अर्थात 3 पैसेज, 3 अनसीन पैसेज जो कि रहेंगे 5-5 मार्क्स के। और जो टोटल इसका जो वेटेज है इस पार्ट में वो रहेगा 15 मार्क्स का। तो 15 मार्क्स का है ये, और तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बच्चों, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है आप किसी भाषा के बारे में आपकी ग्राह्यता, आपकी ग्रेस्पिंग कैपेसिटी कितनी है, आप उसको पढ़ के कितना समझ रहे हो, आपको उस भाषा पर कितना अधिकार है, इसलिए ये अनसीन पैसेजेस बनाए जाते हैं। तो बच्चों, आज हम इन पैसेजेस को बहुत अच्छे से समझेंगे, उनको हल करने की कोशिश करेंगे और आपको हम एक प्रैक्टिस करने के लिए एक अनसीन पैसेज भी देंगे। शुरू करते हैं हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेजेस। हम में से सबका ये मानना रहता है, प्रायः बच्चे ऐसा समझते हैं कि अनसीन पैसेज को सॉल्व करने की या प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यक है, व्हाई इट इज नीडेड। पर लेकिन अगर हम इसकी प्रैक्टिस और अच्छे से करेंगे तो हमको भाषा पकड़ना, शब्द को समझना, उसमें हमें बहुत सहायता मिलती है। तो किसी भी अनसीन पैसेज को हल करने के पहले सबसे पहले आप इसको टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम आपके पास कम पड़ जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले आप इसको बहुत अच्छे से सारा दिमाग कॉन्सेंट्रेट करके अपना आप इसको 2 बार बहुत अच्छे से पढ़ो। साथ ही साथ एक पेंसिल ले लो और जो इम्पोर्टेंट शब्द आपको नजर आ रहे हैं उसको अंडरलाइन करते जाएंगे आप लोग। पहला काम आपको ये करना है। दूसरा, इसके बाद आपको इसके क्वेश्चंस देखना है और देखना है कि क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो कहीं बाहर से नहीं, इन्हीं लाइनों में, इन्हीं पैसेजेस के इसमें छुपे हुए रहते हैं और वो हमको फाइंड आउट करना रहता है। और थोड़ी बहुत वोकैबुलरी या ग्रामेटिकल 1-2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं जो आपकी योग्यता पर आधारित होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रीड करेंगे। रीड करते हैं अपन। एन आइडियल स्टूडेंट इज वन हु इज फुली कॉन्शियस ऑफ हिज ड्यूटीज एंड अवेयर ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ही पेव्स द वे फॉर द यंगर जनरेशंस ऑन टू ट्रेड ऑन। स्टूडेंट्स आर द लीडर्स ऑफ टुमारो। अ नेशन कैन प्रॉस्पर एंड रीच द जेनिथ ऑफ ग्लोरी इफ इट हैज अ डिसिप्लिन्ड आर्मी ऑफ स्टूडेंट्स। एन आइडियल स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट एंड सिंपल। अकॉर्डिंग टू गांधी जी ही शुड हैव द क्वालिटी ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। एन आइडियल स्टूडेंट शुड लाइव इन अकॉर्डेंस विद द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन। अ स्टूडेंट विदाउट द सेंस ऑफ डिसिप्लिन इज लाइक अ शिप विदाउट अ रडर। इट सेल्स अड्रिफ्ट एंड नेवर कम सेफ टू हार्बर। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंदा वॉट अवर कंट्री नाउ वॉन्ट्स आर द मैन एंड वेमेन विथ मसल्स ऑफ आयरन, नर्व्स ऑफ स्टील, हु कैन अकम्प्लिश देयर पर्पज इन एनी फैशन, सो इट मीन्स गोइंग डाउन टू द बॉटम ऑफ द ओशन एंड मीटिंग दैट
face to face. So here it is a overall passage what you given here. तो यहाँ पर जो पैसेज दिया है वो यहाँ पर दिया हुआ है आपको और आपने इसको बहुत अच्छे से एक से दो बार पढ़ लिया. अब इसके बाद हम इसको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे. लेकिन यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए इसके वर्ड मीनिंग्स भी दिए हैं कि कॉन्शियस का मीनिंग होता है फुल्ली अवेयर ऑफ समथिंग यानी जागृत. जेनिथ का मतलब होता है हाइएस्ट पिच ऑफ समथिंग अर्थात चरम सीमा. रडर डिवाइस फॉर डायरेक्टिंग अ कोर्स कोई मार्गदर्शक. अड्रिफ्ट ड्रिफ्टिंग इधर उधर बहते हुए. अब जब हम इसको सॉल्व करने लगेंगे तो देखते हैं बच्चे इसका पहला क्वेश्चन हु इज एन आइडियल स्टूडेंट. अब आप बताइए यहाँ पर आइडियल स्टूडेंट का क्या डेफिनेशन दिया हुआ है. तो हम देखेंगे जनरली पहला क्वेश्चन है पहले पैरा में ही हमको मिल जाएगा. तो क्या है एन आइडियल स्टूडेंट हु इज वन हु इज फुली कॉन्शियस ऑफ हिज ड्यूटीज एंड अवेयर ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए. ये क्या बन जाएगा बच्चों आंसर ए. ये इम्पोर्टेंट है आप ध्यान दीजिए. तो आपको देखा आपने इसी में ही हमको इसके आंसर मिल रहे हैं. नाउ द सेकंड क्वेश्चन क्या है अकॉर्डिंग टू गांधी जी व्हाट क्वालिटीज शुड एन आइडियल स्टूडेंट हैव. अर्थात एक अच्छे एक आदर्श छात्र को कौन कौन सी योग्यताएं रखना चाहिए. अब आप देखिए यहाँ पर कहीं हमको मिल रहा है ये शब्द. यहाँ हमको ये शब्द मिल गया है अकॉर्डिंग टू गांधी जी. देखिए क्या लिखा है He should have the quality of simple living and high thinking. तो ये हमारा आंसर बी हो जाएगा. तो ये बन गया आंसर बी. तो आप इस प्रकार से आंसरिंग कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर सी देखो A student without discipline is compared to. अब यहाँ कहीं लिखा है without discipline. तो ये लिखा हुआ A student without the sense of discipline. यहाँ लिखा है विदाउट द सेंस ऑफ डिसिप्लिन. ये मिला लाइक अ शिप विदाउट अ रडर. तो यहाँ पर इसके आंसर देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं. पहला है शिप दूसरा है रडर लेस शिप और तीसरा है अ शिप विथ अ रडर. तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं विदाउट कौन सा शब्द आया हमारा विदाउट विदाउट और रडर. तो रडर लेस हो जाएगा विदाउट का मीनिंग मिल करके. तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा रडर लेस शिप अर्थात पतवार विहीन नौका के समान हो उसकी जिंदगी होती है जिस बच्चे में कोई अनुशासन नहीं होता है. क्वेश्चन डी देखो हु आर द लीडर्स ऑफ टुमारो. कल के नेता कौन है कौन कल का प्रतिनिधित्व करेगा. यहाँ कहीं आपको आंसर मिल रहा है मेरे साथ साथ आप भी ढूंढिए. मुझे तो नहीं मिल रहा है आप लोग देखिए जरा कहीं मिल रहा है. पूरा पढ़िए अच्छे से पूरा इसको अच्छे से पढ़िए एक बार फिर से पढ़िए मेरे साथ. लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हु आर द लीडर ऑफ टुमारो कल के नेता कौन है. तो कौन है बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं. यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर इंटेलिजेंट पीपल दूसरा एल्डर्स तीसरा स्टूडेंट्स और चौथा विमेन. तो यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं जनरली स्टूडेंट्स के बारे में. तो स्टूडेंट्स द लीडर ऑफ टुमारो. अब इसमें लिखा है एक ग्रामेटिकल क्वेश्चन आपको दे दिया है गिव द नाउन फॉर्म ऑफ प्रॉस्पर. प्रॉस्पर का नाउन फॉर्म होता है प्रॉस्पेरिटी. तो मैं यहां इसका आंसर लिखती हूं प्रॉस्पेरिटी. आपको सिक्स सेवेंथ और एट्थ में आपको नाउन फॉर्म एडजेक्टिव फॉर्म बनाना सिखाया गया होगा. तो ये था बच्चों आपको अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करें. एक बार फिर से समराइज करते हैं आप किसी भी पैसेज को दो से तीन बार बहुत अच्छे से पढ़ें. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स आए हैं उनको आप अंडरलाइन पेंसिल से करते चलें. तीसरी स्टेज में आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू करें. जरूरी नहीं कि आप एक ही बार में सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही सही सॉल्व कर लें. लेकिन कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट यानी जो अभ्यास जो है वो क्या करता है सफल बनाता है हमको. तो आपको इनकी प्रैक्टिस करना रहेगी. नेक्स्ट इसमें मैं आपको देती हूं अगला अनसीन पैसेज जो आपको हल करना है. इसको मैं रीड कर देती हूँ. मिल्क इज द बेस्ट फूड इट कंटेन्स वाटर शुगर फैट विटामिन एंड प्रोटीन्स. पीपल गेट मिल्क फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स इन इंग्लैंड.
न्यूजीलैंड एंड मैनी अदर कोल्ड लैंड्स देयर आर काउज इन हॉट ड्राई कंट्रीज लाइक अरेबिया एंड द मिडिल ऑफ एशिया देयर आर कैमल्स इन इंडिया देयर आर बफेलोज एज वेल एज काउज इन मैनी प्लेसेज देयर आर गोट्स द Eskimos have herds of reindeers. They live in the very cold countries of North America. People keep all these animals and get lots of milk. From milk, they can make butter and cheese. It is essential that the milk we use should be pure and germ-free. Impure milk does more harm than good to the human body. अब हमने यहाँ पर आपको यहाँ पे word meanings दी हुई है। तो इस पैसेज की आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, साथ ही साथ और भी आपकी किताब में अगर अनसीन पैसेजेस आपको मिलते हैं आप उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों।